मैं स्विच को अब ऑन करूँगा, आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को हेलीकॉप्टर बना के दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों मार्केट से खरीदते हैं हेलीकॉप्टर तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस में मिल जाता है, तो दोस्तों हम अपने घर में जो छोटे बालक हैं उनके लिए हम बना के देंगे हेलीकॉप्टर बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए जब भी आप लोगों के समझ में आएंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लेंगे साइकिल की जो तिल्ली आती है, आपको पुरानी मिल जाएगी काफ़ी पैसे दे देंगे अगर पुरानी आप लेना चाहोगे तो, और नहीं लेंगे तो करीब आपको 1-2 रुपये में दे देंगे। तो इसमें तिल्ली का जो कि मैं इसका जो आकार दूंगा मैं इस तरीके का दूंगा मोड़ के, देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। जो मैं हेलीकॉप्टर का स्टैंड बनाऊंगा ऐसे, बिल्कुल आप देख सकते हो ऐसे बनेगा हेलीकॉप्टर का स्टैंड, बिल्कुल ऐसे आकार में, ठीक है। और मैं लूँगा तो दोस्तों चलिए मैं इसका अब और एक लूँगा दोस्तों, ये साइकिल में जो लगती है पता नहीं इसे क्या क्लिप क्या बोली जाती है। दोस्तों मैंने इसे 2 रुपये में लिया था, ठीक है, तो इसमें मैंने 2 टुकड़े कर लिए इसे तोड़ के, तो ठीक है। तो ये दोनों दोनों भाई लोहा है, ठीक है, इस दोनों लोहे को मैंने अच्छी तरीके से रगड़ दिया, घिस दिया, आप जैसे देख सकते हो कि अच्छी सी इस पर सोल्डिंग हो जाए, ठीक है। तो अब मैं इस पर सोल्डिंग कर लेता हूँ, सोल्डिंग करके, ठीक है दोस्तों, इस पर ये इस तरीके से मैं सोल्डिंग कर दूंगा बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इस पर सोल्डिंग करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं दोस्तों सोच रहा हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो में, तो दोस्तों देखिए जो इसकी क्लिप है ये इस पर लोहे की, इस पर मैंने सोल्डिंग कर दी है और इस पर भी कर दी सोल्डिंग, आप देख सकते हो जैसा कि, और जो इसके भी जो डंडी है इस पर भी कर दी है और इस पर भी कर दी है। तो दोस्तों ये आसानी से चिपक जाएगा, दोस्तों इसे थोड़ा सा रगड़ देना घिस देना तो चिपकाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं इसे सोल्डिंग कर लेता हूँ फटाक से। तो दोस्तों देखिए इसका स्टैंड बन चुका है, तो देखिए मैंने इसमें सोल्डिंग कर दी है। दोस्तों आप इसे अच्छी तरीके से रगड़ दोगे घिस दोगे तो इस पर सोल्डिंग हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों अब इस पर मैं सोल्डिंग कर दी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब मुझे लेनी है ये कोको कोला की बोतल, दोस्तों जो हम इसे पीते हैं, मैं तो नहीं पीता एक्चुअली, ये लेंगे और इसमें मैं इसका फिटमेंट करूँगा इस तरीके से कुछ, ये स्टैंड के बीच में ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं फिटमेंट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत ही शानदार वीडियो दोस्तों, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए जब वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्क्रू की मदद से यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके होल कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैंने इसमें होल कर दी है, अब इसके ऊपर मैं ये लगाऊंगा, ठीक है, ये लगा के और स्क्रू लगा के मैं कस देता हूँ इसमें, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए मैं कस के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, कस लेते हैं इसे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, और इसमें दोस्तों मैं लगाऊंगा मोटर और 5 वोल्ट की बैटरी। दोस्तों बहुत ही देखिए कितना अच्छा लगेगा लास्ट में वीडियो को देखना इसे बना के। दोस्तों बचपन में हम यही बना के बहुत खेला करते थे, तो दोस्तों ये मैं बना रहा, मुझे बचपन की याद आ गई, पहले दोस्तों ऐसे ही बनाया करते थे हम, ठीक है। देखिए ये टाइट हो गया अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो दोनों साइड से अच्छी तरीके से टाइट हो गया है, ठीक। अब दोस्तों इसमें मुझे बैटरी लगानी है, स्विच लगाना है और मोटर लगाना और इसकी पंखड़ी लगानी है। तो दोस्तों चलिए मैं इसमें से पंखड़ी वंखड़ी लगा दूँ, पंखड़ी यहाँ लगाऊँगा मोटर, ठीक, और स्विच यहाँ लगा दूँगा। दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पर स्विच जो ऑन ऑफ होता है जिससे, दोस्तों मैं सोच रहा कि स्विच में ऐसा बनाओ कि इसमें स्विच ना रहे, हाथ में अपने स्विच रहे जो कि उड़ाने में अच्छा लगे हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो चलिए एक होल में यहाँ कर लूँ, ठीक है, फटाफट। तो दोस्तों मैं मोटर के लिए यहाँ से होल करूँगा, ठीक है, यहाँ पे होल करके मैं पंखड़ी लगाऊँगा। तो दोस्तों वो मोटर को यहाँ पे मैं होल कर लूँ इसे, इस कैन पे होल करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसके ऊपर मैंने ये होल कर दिया है, आप देख सकते हो, और इसमें मैं ये मोटर का फिटमेंट करूँगा इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हो, देखिए बिल्कुल ऐसे फिटमेंट करूँगा, ठीक है। फिटमेंट करके अब मैं आप लोगों को इसके अंदर पंखड़ी लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर आगे का सिस्टम मैं बताऊँगा कैसे लगेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें मोटर का फिटमेंट कर दिया है अच्छी तरीके से, ठीक है, और इसकी लेग है दोनों, देख सकते हो, और मोटर का वायर मैंने इधर से निकाल रखा, आप देख सकते हो इधर से, ठीक है।
अब मुझे दोस्तों लेना है इसकी पंखड़ी लगा दूँ ऊपर से, ठीक है, और मैं लगाऊंगा ये वाली पंखड़ी, आप देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं इसकी पंखड़ी लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसकी पंखड़ी लग चुकी है अच्छी तरीके से बिल्कुल, ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका। तो चलिए अब इसका मैं कनेक्शन बैटरी का और ये जो मैं स्विच लगाऊंगा इसका कंट्रोल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसका तो हो गया काम, इसे यहाँ रखते हैं। अब दोस्तों देखिए मैंने ये ढक्कन ले रखा है, तो इसमें स्विच इसका इसी में लगाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैं देखिए अच्छी तरीके से मैंने काट ली है इस साइड से, आप भी काट लेना है बिल्कुल ऐसे। तो इसमें मैं इसका फिटमेंट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो इसका फिटमेंट मैं कर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्विच बन चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए इसका भी काम हो गया स्विच का। तो अब हम इसकी बनाएंगे इसके जो पीछे वाली जो पंखड़ी लगी रही थी दोस्तों, इसके पीछे वाली, तो इसके पीछे वाली पंखड़ी बनाऊंगा, ठीक है। तो इसकी पंखड़ी में फटाफट बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमने साइकिल की तिल्ली में ये वाली पंखड़ी बना के लगा दी है, देख सकते हो आप। अब मैं लगाऊंगा इसके, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लगा के अच्छी तरीके से मैं इसका फिटमेंट करके अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसकी पीछे वाली पंखड़ी लग चुकी है, ठीक है, मैंने लगा दी है, आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब इसका रह गया है, अब इसका स्विच बनाना है इसे चलने के लिए। तो इसका हमने ये जो स्विच बना रखा है आप देख सकते हो, इसका जो मैंने ये स्विच बना रखा है इधर, ये वाले स्विच में मैं जो हमारा रहता है ईयरफोन, उसका मैंने देखी ये जो केबल थी, आप देख सकते हो इसकी जो केबल थी, केबल ये वाली, तो मैंने इसमें जो सिल्वर कलर का था उसे मैंने रेड में कर दिया, और इस वाले में भी जो सिल्वर कलर का था वो भी रेड में कर दिए। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई वैसे दिक्कत नहीं, प्लस माइनस पूरा अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है, इसमें प्लस माइनस पूरी अच्छे तरीके से मिलेगा। तो चलिए मैं इसमें सोल्डिंग करके स्विच से और इसमें आपके हेलीकॉप्टर में लगा के दिखा देता हूँ कि चलता है नहीं चलता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्विच बन चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका कनेक्शन मैं आप लोगों को देख दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये जो मैंने एक सेकेंड, तो दोस्तों जो मोटर का जो तार है ये वाला वायर जो है दोनों, तो इसमें मैं ये ईयरफोन का जो मैं लगा रखा है ये केवल थोड़ा लंबा हो जाइए, तो इसमें मैं सोल्डिंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस दोनों में, ठीक है। तो दोस्तों इसकी सोल्डिंग हो चुकी है मोटर की, तो इसके वायर को मैं अंदर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, देखिए अंदर हो गया, ठीक है, इसे अंदर। अब दोस्तों देखिए स्विच का जो एक वायर है जो मैंने इसमें प्लस इसमें जोड़ रखा है, और एक जो बचा है ये मैं मोटर से लेके, आप देख सकते हो, मोटर से लेके इसमें जोड़ूंगा, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। तो मैं इसमें सोल्डिंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक स्विच का वायर मैंने इसमें जोड़ रखा, और एक मोटर का वायर इसमें से लेके और एक स्विच में जोड़ रखा, आप देख सकते हो दोस्तों। अब चलिए इसको मैं चला के दिखाता हूँ, फर्स्ट पहले चलता हूँ नीचे। तो दोस्तों देखिए फाइनली बन चुका है, ठीक है, अब मैं इसे उड़ा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं स्विच को ऑन करूंगा, आप देख सकते हो, देखिए दोस्तों, देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका बनाने का, ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों। ये उड़ने के लिए तैयार हो रहा है लेकिन ये प्रेशर नहीं बना पा रहा, लेकिन ये उड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो कितना आसान तरीका बनाने का, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को बताना कैसे लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।